नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कुछ माइनर कमिटीज भी बनी थी। माइनर कमिटी थी जैसे एडोक कमिटी थी, ठीक है, नेशनल फ्लैग के लिए जो कमिटी थी उसके चेयरमैन राजन प्रसाद थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी थी वो डॉक्टर के एम मुंशी थे, कमिटी ऑन फंक्शनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो जी बी मावलंकर थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी नेशनल फ्लैग को अपनाया 22 जुलाई 1947, जबकि नेशनल एंथम था वो था 24 जनवरी 1950। तो जो नेशनल फ्लैग था वो कब कब अपनाया गया, 24 जुलाई 1947, और नेशनल जो एंथम था, नेशनल एंथम और सॉन्ग, एंथम और सॉन्ग 24 जनवरी 1950, जबकि नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 को। एडोक कमेटी जो नेशनल फ्लैग की कमेटी थी उसके राजेंद्र प्रसाद थे, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का के एम मुंशी, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये के एम मुंशी, और कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ये जी वी मावलंकर थे। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसमें आगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा, फाइनली 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन होती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है साइन होता है, और 284 मेंबर इसमें साइन करते, कितने मेंबर साइन करते, 284। लास्ट असेंबली कब मिली थी, 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 महीने 18 दिन इसमें लगी थी। 26 जनवरी को हमने कमेंचमेंट डेट इसलिए चुना क्योंकि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर देखा जाता था कि जब लाहौर सेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, जब लाहौर सेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था तो वहां पर कंप्लीट पूर्ण स्वराज के लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए रेजोल्यूशन पास किया गया था, इसलिए हमने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सिलेक्ट किया। ठीक है, और अगर इसमें हम बात करें कि इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो 9 दिसंबर है इसमें पहली सिटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, 11 दिसंबर को दूसरी होती है जिसमें राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, तीसरी मीटिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये पीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, 13 दिसंबर 1940 से 22 जुलाई 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करती है, 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया पाकिस्तान, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, पावर ट्रांसफर कब होती है, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था, 24 जनवरी 1950 को नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और एंथम, 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और एंथम, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था हमारा वो फोर्स में आया, और रिपब्लिक डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले रिपब्लिक डे इसी दिन मनाया जाता, और राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले जनरल इलेक्शन हुए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहले इलेक्शन कब, ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया पहले इलेक्शन कब हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो ये 25 अक्टूबर 1951 से 26 फरवरी 1952 तक ये हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।